Hi guys, welcome back to my channel Let's Travel. So today we are traveling from Delhi to Agra for a staycation. हमने सोच तो लिया कि हम स्टेकेशन पे चलते हैं, लेकिन उसके बाद हम सोच में पड़ गए कि हम जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि आसपास हर जगह पे बाढ़ आ रही है, लैंडस्लाइड हो रही है और ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी. तो फिर हमने कहा चलो एक्सप्रेस वे से आगरा ही चलते हैं, दिस इज द सेफेस्ट. तो हमने अब अपना सफर शुरू कर दिया दिल्ली से आगरा की ओर. मॉनसून के मौसम में लॉन्ग ड्राइव का तो अपना ही एक अलग मजा है, वो भी यमुना एक्सप्रेस वे पे. दिल्ली टू आगरा इट हार्डली टेक्स 3 hours टू रीच देयर, वो भी आप अगर बीच में रुक के ब्रेक लेके जा रहे हैं तो ऐसे ही हंसते खेलते हमारा भी सफर जल्दी से कट गया बिकॉज ऑफ यमुना एक्सप्रेस वे. दिस इज द फास्टेस्ट रूट यू कैन टेक फॉर आगरा फ्रॉम दिल्ली. एक बात तो मैं आप सबको बताना ही भूल गई कि रास्ते में मैंने बहुत सारी मोरनी और मोर देखे. Isn't it exciting? सच में मैंने पहले कभी एक्सप्रेसवे पे मोर या मोरनी नहीं देखे, लेकिन इस बार मुझे 3 मोरनी और 2 मोर दिखे. और जब भी मैं रिकॉर्ड करने के लिए फ़ोन उठाती थी तो हम आगे निकल जाते थे बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ द कार, क्योंकि एक्सप्रेसवे पे तेज़ी चलानी होती है, तो इसलिए मैं कैप्चर नहीं कर पाई आप लोगों के लिए. लेकिन आई रियली इंजॉयड द व्यू एंड द वाइब एंड द रूट ऑफ आगरा. एंड जो लोग भी दिल्ली रहते हैं उनके लिए तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है फॉर स्टेकेशन, एज दिस इज वेरी नियर टू दिल्ली और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे होटल्स एंड रिजॉर्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं रहने के लिए. We have booked JP Palace Resort for our stay. So we are just entering our resort. You can see this is the outer space of the resort. You can see the greenery around and उससे आप जज कर सकते हैं कि ये रिजॉर्ट कितना क्लोज है नेचर से. This is the main entrance of the resort from where you enter your car and of course there is valet parking. So, आप यहाँ पे अपनी कार को छोड़ सकते हैं, they'll park for you. This is the entrance. आपको एंटर होते ही एक माला पहनाई जाएगी आपके स्वागत के लिए. The vibe of the hotel is very royal and luxurious and it is very spacious and a big resort जहाँ आप अकोमोडेट कर सकते हैं. हमने इनिशियली 2 days के लिए बुक किया था, बट आफ्टर लुकिंग द होटल हॉस्पिटैलिटी एंड द होटल कंफर्ट हमने 1 दिन और के लिए एक्सटेंड करवा लिया था. मैं आपको डिटेल्स सारी बताऊंगी कि हमने कितने में बुक करवाया था और बाद में हमने जब 1 दिन के लिए और एक्सटेंड कराया तो कितने में एक्सटेंड कराया. अभी आप इंजॉय कीजिए, ये होटल लॉबी है जहाँ पे हम चेक इन करवाते हैं. यहाँ पे इन्होंने ना अलग अलग डेस्क बना रखे हैं चेक इन के लिए, सिर्फ एक मेन काउंटर नहीं बना रखा. और ये होटल लॉबी का व्यू है जहाँ से आप ये इंजॉय कर सकते हैं वाटर बॉडी और इतने अच्छे सुंदर सुंदर पेड़ पौधे. नेचर के बहुत क्लोज है ये रिजॉर्ट, मैंने जैसे पहले भी बोला, और बहुत वेल मेंटेन्ड है आई मस्ट से. ये हमें वेलकम ड्रिंक सर्व हुई थी, ग्रीन और रेड, ग्रीन वाज लेमनी एंड ये थोड़ा रुअब्जा टाइप था, बट इट इज वेरी गुड एज एंड रिफ्रेशिंग एज अ वेलकम ड्रिंक. और ये हमारा पैसेज जो है अब हमारे रूम की तरफ जा रहा है. आप देख सकते हैं कि लॉबी भी कितनी क्लीन एंड नीट है और यहाँ पे इंटीरियर्स भी काफी अच्छे थे पूरे रास्ते में. मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, ये अब हम अपने रूम में एंटर होने वाले हैं.
We really like the room and it is spacious enough to accommodate, and it is nicely done and neat and clean. 10/10 for that. एंड हमने जो कैटेगरी बुक कराई थी वो डीलक्स रूम कैटेगरी थी जेपी होटल की आगरा की. तो इसके अंदर ना आपको वॉशरूम के अंदर टब ज़रूरी नहीं है, सब रूम्स में मिले. आपकी रिक्वायरमेंट और प्रेफरेंस के हिसाब से वो आपको देते हैं. तो अगर आप डीलक्स कैटेगरी रूम बुक करवा रहे हैं एंड यू नीड टब, तो आप पहले से ही उनको बोल के रखिए. और ये सारा रूम आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मेकअप किया हुआ है, और हमें तो बहुत अच्छा लगा और स्पेशियस भी लगा, और कोई भी कमी नहीं थी जिसमें हम बोल सकें. और आई रियली लाइक द रूम एंड द वाइब. और ये देखिए, हमारा गार्डन व्यू था, तो हमारे गार्डन के साथ ये रूम था. ये बालकनी टाइप बना रखी है, आप देख रहे हैं, यहाँ पे बाहर सिटिंग भी है. और ये रहा हमारा वॉशरूम जिसके बारे में मैं बात कर रही थी. हमारा बाथटब के साथ था क्योंकि हमने स्पेशली बोला था कि हमें बाथटब के साथ ही चाहिए. वॉशरूम भी बहुत अच्छे से बनाया हुआ था और बिल्कुल स्पेशियस था. चलिए मैं आपको बाहर का गार्डन व्यू दिखाती हूँ, विच इज द हिट ऑफ दिस रूम. और बहुत ही सूदिंग और बहुत ही अच्छा था क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी बर्ड्स चिरपिंग एंड यू नो स्क्विरल्स और एवरीथिंग आपको ऐसे देखने को मिलेगा. आप बाहर आराम से चिल कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, नाइट में इंजॉय कर सकते हैं, इवनिंग में आप अपनी कॉफी इंजॉय कर सकते हैं बाहर बैठ के. एंड मेरे को बहुत ही अच्छा लगा ये स्पेस. और यहाँ से आप देख सकते हैं बाहर कितनी ग्रीनरी है एंड यू कैन रूम अराउंड. और ये आपका अपना प्राइवेट एरिया था जहाँ पे आप बैठ सकते हैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ विद नो डिस्टर्बेंस, सो क्लोज टू नेचर. आई रियली लाइक दिस स्पेस एंड आई रियली लाइक दिस आइडिया ऑफ इंक्लूडिंग गार्डन विद द रूम. ये पैकेट्स जो था ना, यहाँ पे भर भर के नेचुरल लाइट आती थी दोनों साइड से, तो आप यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं, बहुत ही अच्छी आ रही थी. ये पैसेज रूम्स को और होटल लॉबी को कनेक्ट करता था, सो यू हैव टू क्रॉस इट एवरी डे. और अब हम जा रहे हैं लेजर मॉल. लेजर मॉल जो है वहाँ पे प्ले जोन था, बच्चों के सॉफ्ट जोन बना हुआ था, खूब सारी शॉप्स थी, एस्ट्रोलॉजर भी थे, और हाई टी भी ऑर्गेनाइज की गई थी. हाई टी के बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ, वो सिर्फ सैटरडे को ऑर्गेनाइज होती है. अगर आप इस होटल में रुक रहे हैं तो सैटरडे को ज़रूर लेजर मॉल जाके अपनी हाई टी इंजॉय कर लीजिए. और ये देखिए, ये पूरा लेजर मॉल है, छोटा सा स्पेस बना रखा है जहाँ पे बोलिंग एले है, बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए छोटे बड़े सब लोगों के लिए. अगर आप बोर हो रहे हैं तो अंदर आके गेम्स खेल सकते हैं. कुछ गेम्स पैसों से आप ले सकते हैं और कुछ फ्री थी, तो वो अकॉर्डिंगली वहाँ पे लिखा हुआ होगा. मिनिमम फीस थी, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गेम्स नहीं थी. और ये एस्ट्रोलॉजर जो थे वो फ्री में आपकी पाम रीडिंग कर रहे थे, आप जाके करवा सकते हैं. उनके भी कुछ सेट टाइमिंग्स थे और कुछ डेज थे जिस दिन वो आते हैं. और ये सारी शॉप्स जो आप बाकी और होटल्स में भी देखते हैं सर्विनर्स के लिए बना रखी थी, जिनमें से आप कुछ कोई चीजें खरीद सकते हैं जो भी आपको पसंद आई हो. आर्टिफैक्ट्स हैं, कपड़े हैं, ज्वेलरी है और बहुत सारी चीजें थी. तो लेजर मॉल के अंदर ही हाई टी ऑर्गेनाइज की गई थी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टी, कॉफी, कुकीज, बिस्किट्स, केक्स, ये सब चीजें अवेलेबल थी. और फॉर अ चेंज यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स भी इंक्लूडेड थी हाई टी में. यस, दिस इज द कोल्ड ड्रिंक काउंटर जो मैंने बाकी किसी होटल में नहीं देखा हाई टी में कोल्ड ड्रिंक्स भी इंक्लूडेड हो. सो ये सारा कॉफी सीन था हमारा. ये देखिए, हमने ये टी हाई टी में ये सब चीजें ली, तो ये बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइज हुआ हुआ था. बट ये सिर्फ सैटरडे को ही होता है, तो आप अगर जा रहे हैं और सैटरडे इंक्लूडेड है तो आप विजिट कर सकते हैं.
ये बिजनेस सेंटर था और ये थोड़ा बहुत मैंने इंटीरियर कैप्चर करने की कोशिश की है होटल की। होटल वॉज वेरी ह्यूज, आप इतना ज्यादा, मैं कितना भी कवर कर लूँ मैं पूरा कवर तो नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने थोड़ा बहुत जो भी कवर किया ये हमने ना एक्चुअली हमारे रूम के बाहर से गार्डन की साइड से पूल पे जा रहे हैं क्योंकि वहां से पास पड़ता था, ये पूल एरिया है सारा। और हाँ, यहाँ का पूल 5.5 फीट है और बिल्कुल भी और कोई छोटा नहीं है, जो 5.5 फीट से छोटे लोग हैं वो अपनी ट्यूब लेके जाएं या कुछ भी ऐसे ऑर्गेनाइज करके जाएं, अगर आपको स्विमिंग आती है तो बहुत अच्छी बात है, उससे कम डेप्थ नहीं है, 5.5 फीट ही है मिनिमम। और ये अब हम वापस आ गए हैं अपने रूम में, विंग 4 लेवल 1 में हमारा रूम था। देखिए कितना फॉगी और अच्छा सा वेदर हो रहा है बाहर, तो ये सब देख के ना बड़ा मन खुश सा हो रहा था, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। होटल एस्थेटिक्स आर टॉप नॉच आई मस्ट से, बहुत ही अच्छा इंटीरियर, बहुत ही रॉयल एंड बहुत ही सुंदर था। आप जाएंगे तो आप होटल में ही इतना खो जाएंगे कि आपको बाहर घूमने की जरूरत नहीं है। और ये हमारा डिनर सीन है। डिनर के बारे में मैं ये बताना चाहूंगी कि मुझे पर्सनली डिनर बहुत अच्छा नहीं लगा। खाना अच्छा था पर बहुत अच्छा नहीं था, और उनके शेफ ने कोशिश भी की हमारी तरह से उस चीज को मॉडिफाई करने की, लेकिन स्टिल दे कुडंट मीट आवर एक्सपेक्टेशंस। बट इट वॉज गुड इनाफ, आपको सब चीजें मिलेंगी और बहुत अच्छे से सर्व कर रहे थे, हॉस्पिटैलिटी में कोई कमी नहीं है। मैं कहना चाहूंगी कि आप इसे विजिट कर सकते हैं जरूर, अगर आप आगरा रहने जा रहे हैं तो। ये जो होटल है हमने 20,800 में 2 डेज विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर बूफे करवाया था, और इसकी हॉस्पिटैलिटी और होटल देख के हमने एक दिन और एक्सटेंड करवाया था 5,000 में, बट वो विदाउट मील्स था। ये सब हमने बिंदिया ट्रैवल्स से बुक करवाया था, आप भी वहां से बुक करवा सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, उनका एड्रेस वगैरह सारी डिटेल्स अच्छे से दे दूंगी। और बट ये सीजन टू सीजन वैरी करता है कि जब वहाँ पे अगर सीजन है तो रेट्स थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल। ये वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग रेस्टोरेंट्स है, देखिए जैसे चाइनीज रेस्टोरेंट है, और जहाँ पे मैं बूफे दिखा रही थी वो द ग्रैंड बूफे करके था शायद, ऐसा कुछ नाम था उसका, जिसमें सिर्फ बूफे होता है सुबह ब्रेकफास्ट का या डिनर वगैरह जो भी आपका इंक्लूडेड बूफे है, यही द ग्रैंड बूफे आई वॉज टॉकिंग अबाउट। और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट थे होटल के अंदर जो आप ट्राई कर सकते हैं। ये पवेलियन कैफे था, और बहुत डिफरेंट डिफरेंट और भी जगहें थी जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारी वाटर बॉडीज थी, बहुत सारे ट्रीज थे, स्विस हिल करके उन्होंने बना रखा है अपना एक एरिया, और बहुत सारी चीजें अंदर ही एक्सप्लोर करने वाली। इट इज अ बिग होटल जहाँ पे आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं विद नो डाउट। इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस इफ यू आर गोइंग टू आगरा। ये स्विमिंग पूल एरिया जो मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, किड्स का अलग था, छोटे बच्चों के लिए अलग बना रखा था। ये साइकिलिंग एले भी था, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, साइकिल लेके पूरा रिजॉर्ट घूम सकते हैं। और ये प्लेग्राउंड एरिया था बच्चों के लिए, बहुत अच्छी अच्छी स्लाइड्स और राइड्स लगा रखी थी जहाँ पे बच्चे बिजी हो सकते हैं अगर आप अपने बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो।
ये इन्होंने ना बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के पैरेट्स और बर्ड्स कैप्चर कर रखे थे, अंदर रखे हुए थे, जिनके लिए बहुत ही सुंदर सुंदर अंदर हाउस बना रखे थे, फूड प्रोवाइड करते थे। आई होप मैं अच्छे से इन दिखा पाई हूँ आपको। देखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे, और इनकी चिरपिंग आई कांट टेल यू कि कितनी अच्छी लग रही थी, कितनी सूदिंग लग रही थी। एंड आप घंटों यहाँ पे खड़े होके इनको देख सकते हैं। और मैंने जैसे कि बताया, ये होटल नेचर के बहुत करीब है, तो ये लोग ना ऐसे फूड प्रोवाइड करते हैं स्क्विरल्स को, क्रो, पीजन, सबके लिए जगह जगह उन्होंने फूड डाल रखा है। और हमने यहाँ पे एक पिकॉक भी स्पॉट किया था, जो मैं आगे आपको एक क्लिप में दिखाऊंगी। ये अब हम स्पा के लिए एंटर करने जा रहे हैं। स्पा का नाम तमाया है। आप यहाँ पे जाके अपने अकॉर्डिंग स्पा करवा सकते हैं, फुट स्पा, बॉडी स्पा, और भी बहुत सारी चीजें थी, और जकूजी भी था इंक्लूडेड, जो आप चीजें करवा सकते हैं यहाँ पे जाके। इस काउंटर पे जाके आप उनसे पूछ सकते हैं आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या बेस्ट सूटेड है, दे लेट यू नो। दिस इज द जिम ऑफ द होटल, और यहाँ पे सब रिक्वायर्ड मशीन्स एंड वेट अवेलेबल थे एक अच्छे वर्कआउट करने के लिए। और बहुत एम्पल ऑफ स्पेस थी कि आप यहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ वर्कआउट कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन। और ये स्पा के बिल्कुल एडजेसेंट साइड पे बना हुआ था, और यहाँ पे सलून भी था स्पा के साथ। सलून भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायर्ड है तो। ये सब क्लिप्स में मैंने होटल के इंटीरियर्स और होटल की डेकोरेशन कैप्चर की है। यू कैन एंजॉय दिस व्यू। How have I changed? How I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. So all we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. Do you remember that night we met? Thought you looked so fine. Guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. दिस इज द टी लाउंज ऑफ द होटल। यहाँ पे आप बैठ के अपनी टी इंजॉय कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी जो आपने ना सोची होंगी ना देखी होंगी, आप यहाँ पे बैठ के अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। जो भी टी लवर्स है उनके लिए ये बहुत ही गुड ऑप्शन है एक होटल में। दिस इज द लिटिल बेकरी सेक्शन ऑफ द होटल। यू कैन चूज योर काइंड ऑफ डिजर्ट फ्रॉम हियर। एंड दिस इज इन हाउस लाउंज बार ऑफ द होटल तपस।
And look at the weather and the view of the property. It is so mesmerizing. And as I said कि हमने वहाँ पे पिकॉक स्पॉट किया था, सो सी अगर आप देख सकते हैं तो मैंने पिकॉक कैप्चर करने की कोशिश की है, दो ही वॉज हाइडिंग, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत जो भी मैं कैप्चर कर पाई उसे कैप्चर किया और फिर तो बहुत जोर से वहाँ से भाग गया और फिर हमने उसे कैप्चर करने की कोशिश की तो वो पेड़ों के पीछे छुप रहा था एंड देन वी रिस्पेक्ट हिज प्रीवियसली और हमने उसको ज़्यादा तंग नहीं किया एंड वी वेंट अवे फ्रॉम हिम. तो हम उसके बाद अंदर चले गए और बाकी प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करने लगे. सो दिस इज ऑल, यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, बहुत नेचर के करीब है तो बहुत सारे क्रिएचर्स आपको मिलेंगे वहाँ पे एंड यू विल इन्जॉय द वाइब श्योरली. अगर आप पीस चाहते हैं, लग्जरी चाहते हैं, हॉस्पिटैलिटी चाहते हैं देन यू शुड विजिट JP पैलेस होटल आगरा. जैसे कि मैंने बताया था ना, बर्ड्स और पैरट्स भी रखे हुए थे उन्होंने, ऐसे यहाँ पे एक डक पॉइंट था जहाँ पे बहुत सारी डक्स थी जो स्विम कर रही थी एंड इट इज़ वेरी सूदिंग टू वॉच देम फॉर आवर्स एंड आवर्स. एंड ये बहुत ही सुंदर व्यू था जो मैंने कैप्चर किया आप लोगों के लिए भी, जस्ट टू सी देम स्विमिंग इन द वॉटर. और आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार. आप लोगों को ऐसे और भी बहुत सारे होटल्स के रिव्यू देखने को मिलेंगे उस पर. और अगर आप किसी पर्टिकुलर होटल का रिव्यू चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर जगह को देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. हम भी कहीं जाने से पहले किसी और की वीडियो देखते हैं कि रिजॉर्ट कैसा है, होटल कैसा है, फूड कैसा है. सो आई जस्ट वॉन्ट टू मेक योर ट्रैवल ईजी कि आप मेरी वीडियोज देखें और आपका स्टे, आपका ट्रिप ईजी हो जाए तो मुझे और क्या चाहिए. दिस इज वॉट ऑल आई नीड. इसी के लिए तो मैं वीडियोज बनाती हूँ कि आप लोगों के लिए ट्रैवल आसान हो जाए. ये कुछ ब्रेकफास्ट के क्लिप्स हैं जो मैंने ऐड किए हैं ब्रेकफास्ट बूफे के, सो दैट आपको आइडिया मिल जाए कि कैसा ब्रेकफास्ट अवेलेबल था वहाँ पे. This is all guys. I just want to say कि आप जितना प्यार मेरी videos पे views के साथ देते हैं उतना ही प्यार subscription में भी दीजिए. Please subscribe कीजिए मेरे channel को क्योंकि subscribers कम है और views बहुत ज़्यादा. तो आप लोग अगर subscribe करेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा और मेरे को और appreciation मिलेगी to make more videos for you. And I really hope this helps in a good way. कि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि होटल कैसा है सो दैट आप अपने अकॉर्डिंग, अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ उस होटल को चूज कर सकें. मेरा बस एक यही मोटिव है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ इन दिस वे. सो बस बी हैप्पी एंड कीप ट्रैवलिंग गाइस, क्योंकि वैसे ही दुनिया में बहुत टेंशन है. थोड़ा बहुत ट्रैवल करके हमारी टेंशन खत्म होती है, नेगेटिविटी से दूर जाते हैं तो और क्या चाहिए. अपनी पॉकेट के हिसाब से सबको ट्रैवल करना चाहिए, मैं तो बस इतना ही कहूँगी. सो बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. होप टू सी यू सून गाइज. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक to my channel which is Let's Travel. Bye-bye.